नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। हम इस वक्त दमोह लोकसभा की रहली विधानसभा के कड़ा कोटा में, यह पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का गृह क्षेत्र है। साथ ही अभी वर्तमान में वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पर हैं, तो हम जाहिर तौर पर 6 मई को जो लोकसभा के यहाँ वोट पड़ने हैं उसमें जनता का मिजाज जानेंगे, जनता का मूड जानेंगे कि किस ओर जनता करवट ले रही है। कांग्रेस से प्रताप सिंह लोधी यहाँ मैदान में है, तो जाहिर है 2014 में जिन्होंने यहाँ से सांसद बनकर दिल्ली में जगह बनाई थी, प्रहलाद पटेल यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और बसपा से जित्तू खरे यहाँ उम्मीदवार हैं। लेकिन रहली की जनता क्या कहती है, गड़ा कोटा की जनता क्या कहती है, हम उससे पूछेंगे कि कौन को वो दिल्ली पहुँचाएगी और किसके किसके साथ रहेगी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। क्यों जनता पार्टी? क्योंकि हमारे यहाँ के मंत्री जी हैं, मोदी जी के सपोर्टर हैं, इसलिए मैं उन्हीं के लिए हूँ। मोदी के साथ है। आप आज पथरिया में काफी भीड़ थी। अच्छा। राहुल गांधी के साथ लोग थे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि चुनाव में बहुत संघर्ष है? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। रैली क्षेत्र में पूरी जनता बीजेपी में है, मोदी के साथ में है, मोदी जी आए हैं। आपको लगता है मोदी जी? मोदी अगेन। आप क्या कहते हैं? मोदी। कुल मिला के मोदी राष्ट्रवाद से समझौता नहीं करेंगे, इसलिए मोदी। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए मोदी। मोदी 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 विकास विकास हुआ है, विकास होता है। विकास के लिए तो हमारे भार्गव जी हैं ही, लेकिन सांसद जी के लिए सिर्फ मोदी के पक्ष में हम लोग हैं, और राष्ट्रवाद से इसके लिए कोई सुरक्षा, राष्ट्रवाद के लिए कोई समझौता नहीं, इसलिए हम मोदी के साथ हैं। तो राष्ट्रवाद पर वोट मिलेगी, तो जाहिर तौर पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी में लोग उस अस्क को देखते हैं, उस छवि को देखते हैं कि वो राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे। हमारे साथ और जनता, क्या नाम है? संतोष पटेल। मोदी जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, मोदी जीतेंगे। और अगर हार गए तो? नहीं हारेंगे, मोदी जीतेंगे। नहीं हारेंगे मोदी। आप दादा क्या कहें? मोदी क्यों? मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। आपने पूरी उम्र देखी है, जिंदगी आपकी जो दाग भी चले गए, लेकिन आप जो है, आप लोग कहते हैं कि 15 लाख नहीं आए खातों में। नहीं आने दो, विश्वास है आएंगे। 72,000 दे रहे राहुल गांधी। वो नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए। 72,000 नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? हमें लगा रही है मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी सरकार। क्या नाम है आपका दादा? पूरा लाल हरवार। आपको भी? हाँ, मोदी चाहिए, 72,000 नहीं चाहिए, मोदी चाहिए है, क्योंकि उन्होंने बहुत विकास किया देश का, विदेशों में उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, और विदेशों में उनकी बहुत मोदी आएंगे। आपको मोदी, मोदी, मोदी। हिंदुस्तान की आवाम अगर कहती है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी वजीर आजम के तौर पर दिल्ली की उस सल्तनत के मालिक हो जहाँ से सरकारें चलती है, तो जाहिर तौर पर अगर आवाम का ये कहना है, जनता का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता, तो फिर नरेंद्र मोदी के साथ जनता। तो लगता है आप मोदी रैली देसी में गोपाल भार्गव और दिल्ली में मोदी गोपाल, अगले मुख्यमंत्री गोपाल भार्गव, अभी मुख्यमंत्री गोपाल भार्गव। अच्छा, फिर से मतलब मोदी की सरकार आएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, और हमारे गोपाल भार्गव मुख्यमंत्री बनेंगे। गोपाल भार्गव जिंदाबाद। मैंने कोई लगा ही नहीं, कुछ नहीं, गोपाल भार्गव मुख्यमंत्री है। आपको लगता है मोदी या फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी सरकार केंद्र में फिर से राज करेंगे, और आने वाले जो कांग्रेस की सरकार गिरेगी, और बीजेपी के जो हैं वरिष्ठ नेता आदरणीय माननीय श्री पंडित गोपाल भार्गव, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, सीएम बनेंगे जी, फिर से। अभी नहीं बने सीएम, तो अभी हैं। हाँ। सरकार कांग्रेस की है, लेकिन सीएम गोपाल भार्गव हैं। हाँ। चला वो रहे हैं। तो कुल लिहाज से ये गोपाल कृष्ण भार्गव की नगरी है, ये वो नगरी है जहाँ एक आदमी 8 बार चुनाव में दस्तक देता है और चुनाव जीतता है, यही लोकतंत्र की बाजीगिरी है, और जो चुनाव जीतते हैं उन्हें ही लोकतंत्र का भगवान कहते हैं। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? गोपाल। जिंदाबाद गोपाल। गोपाल।
तो फिर पहलाद के साथ जाएंगे गोपाल जी? जी जी पहलाद के साथ जाएंगे, जैसा कि हमारे रैली क्षेत्र में विकास की चारों ओर जो विकास की धारा बह रही, गंगा बह रही, उसके हिसाब से मोदी सरकार और प्रहलाद पटेल के साथ है हम लोग सब। हाँ प्रहलाद पटेल के साथ है। आप बहुत यंग चेहरे, क्या नाम लिखते हैं आप? सचिन शाह। सचिन शाह, ये दो चेहरे हैं हिंदुस्तान के पटल पर, राहुल गांधी और मोदी। मोदी आज हमारे देश की धड़कन है, प्रहलाद मजबूरी है लेकिन मोदी जरूरी है। प्रहलाद ने 5 साल दमोह लोकसभा को दिए लेकिन रैली विधानसभा के लिए, बड़ा कोटा नगर के लिए कोई भी काम नहीं किए, चेहरा नहीं दिखा। आज हमारे क्षेत्र के लोग बहुत महसूस करते हैं कि काश बड़ा कोटा नगर में केंद्रीय विद्यालय होता, रोजगार के कुछ नए अवसर होते, लेकिन प्रहलाद भाई ने इन पर कोई भी काम नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने जो अपना विदेश में जो छाप छोड़ी है हिंदुस्तान की, आज हमारे युवाओं को उस पर गर्व है। आपकी अगर गोपाल भार्गव की तस्वीर देखी जाए और तो मोदी से मिलाई जाए तो कुछ कुछ तस्वीर मिलती है क्या आपको? एक ही मोदी और गोपाल दोनों एक ही हैं। फोटो कॉपी है भाई, फोटो कॉपी। तो मैं फिर कहूँगा कि लोकतंत्र में बहुत से नेता होते हैं, अगर इंदौर की तस्वीर देखी जाए तो ताई लगभग 9 बार सांसद रही, बाबूलाल गौर भी चुनाव जीतते हैं, लेकिन बुंदेलखंड की धरती पर एक ऐसा नेता है जिसने कभी हार नहीं देखी, और मैं समझता हूँ कि जनता का अगर ये स्नेह उसके लिए है तो 2023 भी उसके लिए मुमकिन नहीं, 2024 में भी वो जीतेगा। तो जिसके नाम पर यहाँ वोट पड़ते हैं वो अगर देश में मोदी है तो इस धरती पे उसका नाम है गोपाल कृष्ण भार्गव, जिसके कहने पर जनता, भारतीय जनता पार्टी को वोट देती। तो हम लगातार जनता से मुखातिब है, जनता से हम पूछेंगे कि गोपाल भार्गव यहाँ के लीडर हैं। लीडर है माने एक अंग कहा हो, अंग आपका भी अंग गोपाल भार्गव अंग कहा है, तो उसी के हवाले आप जो है हम उसी के गोपाल भार्गव। ये बच्चे हैं छोटे, मोदी को देखा है आपने? नहीं देखा मोदी को? देखा नहीं? देखा नहीं? देखा मोदी नहीं? देखा टीवी में? देखा है टीवी में? देखा टीवी में। क्या नाम है बेटा आपका? स्तुति गुप्ता। स्तुति गुप्ता, टीवी में कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। आपके मंत्री जी को देखा है? हाँ। क्या नाम है उनका? गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव, आपको मालूम है उनका नाम? आपने देखा है? मोदी 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 आपने देखा गोपाल भार्गव? देखा, घर जाते हो आप? तो ये जनता है रैली की, और रैली की जनता ये कहती है कि गोपाल भार्गव यहाँ के मोस्ट लीडर हैं, यहाँ का वो चेहरा है जिसके कहने पर भारतीय जनता पार्टी में वोट पड़ते हैं। प्रहलाद पटेल एक शख्स बोल रहे थे, युवा चेहरे थे, उनका कहना था कि प्रहलाद पटेल मजबूरी है लेकिन हिंदुस्तान में मोदी जरूरी है। ये गोपाल भार्गव का क्षेत्र है तो जाहिर तौर पर पंजा के मुकाबले कमल का फूल बहुत आगे है, क्योंकि जनता के दिलों में गोपाल भार्गव के बाद अगर कोई दूसरा नाम है तो वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो फिलहाल हम लोग लगातार जनता से मुखातिब हैं और जनता से पूछेंगे कि इस क्षेत्र का मिजाज क्या है। तो और लोग हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? शिवराज जी। शिवराज जी, तो लगता है आपको मोदी मोदी यहाँ मोदी? हाँ मोदी है यहाँ। हाँ मोदी है। और राहुल? राहुल नहीं। राहुल नहीं, क्यों? राहुल क्यों नहीं? मोदी में है पूरा देश। पूरा देश, तो आपको, आप यहाँ के नेता को मानते हैं? कौन नेता है यहाँ का? भार्गव जी। भार्गव जी, उसी उन्हीं के कहने पर? हाँ। भार्गव जी के कहने पर सब कुछ चलता है यहाँ पे। लगता है आपको मोदी निकल जाएंगे? निकल जाएंगे मोदी? मोदी प्रहलाद पटेल जीतेंगे प्रताप? अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? अभिषेक नामदेव। अभिषेक नामदेव जी, कौन कौन जीतेगा यहाँ? मोदी जीतेंगे। मोदी मोदी लगता है आप? लगता है मेरे को। क्यों मोदी जीतेंगे? मोदी ने अच्छे काम कराए हैं। आपको लगता है? हाँ। बहुत, कितनी उम्र हो गई आपकी? 62। आपने कांग्रेस भी देखी होगी? हाँ। मोदी भी देखे? हाँ मोदी। कौन अच्छा लगा आप? भारत में अभी एक ही व्यक्ति है सब पार्टी में, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के सिवा कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। राहुल गांधी भी नहीं? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है ही नहीं अभी देश के हित में, सिर्फ नरेंद्र मोदी।
तो हम फिर कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है, ये लोकतंत्र बनाती है, ये सरकारें बना देती है, और जब नाराज होती है तो फिर ऐसा भगाती है 15-15 साल तक लोग सत्ता से दूर रहते हैं। ये इलाका, ये क्षेत्र निश्चित तौर पर गोपाल कृष्ण भार्गव का है, जो 8 बार चुनाव में दस्तक दे चुके हैं लेकिन चुनाव नहीं हारे। तमाम खिलाड़ी, तमाम राजनीति, तमाम सियासत से ऊपर यहाँ अगर कोई नाम है तो वो है गोपाल भार्गव। और मैं फिर कहूँगा कि लोगों के दिलों में मुझे नहीं लगा कि यहाँ एक भी व्यक्ति राहुल गांधी की चर्चा करता है, और राहुल गांधी इससे ठीक 17 किलोमीटर दूर आज रैली करने आते हैं, लेकिन यहाँ की जनता को उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जाहिर तौर पर लोकतंत्र में वही जीतता है जिसकी जनता रखवाली करती है। तो यहाँ की रखवाली जनता भारतीय जनता पार्टी की कर रही है, तो जाहिर है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से आगे रहेगी। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।